हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है राइडिंग स्पार्क। आज संडे का दिन है तो हमारी छुट्टी है और एक बेहतरीन मौसम है, तो हमने प्लान किया है एक छोटी सी राइड पर जाने का। मेरे फ्रेंड हैं सुशील शर्मा, जो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हम आसपास में हिल स्टेशन में मोरनी हिल्स घूम के आ सकते हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने बताया कि एक भुरेश्वर महादेव टेम्पल है, वहाँ जाने का प्लान है आज। तो चलिए आज वहाँ चलते हैं। दोस्तों, ये है हमारे दोस्त जिनका नाम है सुशील शर्मा, जो कि लोकलाइट हैं, यहीं रहते हैं। तो आज इनके मार्गदर्शन पे हम चलेंगे। इन्होंने हमें बताया कि मोरनी हिल्स जाने के दो या तीन रास्ते हैं। एक तो बिल्कुल प्योर मेन हाईवे है, एक है जो थोड़ा टूटा फूटा रास्ता है, और एक जो है जिसमें अभी वो रास्ता बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज संडे का दिन है तो प्लान किया है कि चलो यार थोड़ी ऑफ रोड ही सही एंड लेट्स हैव फन। सो उनसे उनके मार्गदर्शन में अपन जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हम राइट लेते हैं तो ये प्रॉपर मेन हाईवे है, जो आपका पिंजौर होता हुआ, परमाणु होता हुआ, फिर आपको शिमला, कसौली वगैरह निकल जाता है। तो हमें क्या करना है, आगे से एक टोल आएगा, टोल से हम एक बत्ती से राइट ले लेंगे और वहाँ से हम मोरनी हिल्स के लिए चले जाएंगे। वो प्लान कर रहे हैं, उस रास्ते से जाने का सोच रहे हैं। ये जो मेन हाईवे है, इसकी खासियत है कि दिन के इसके दोनों तरफ जो है एक ये आर्मी एरिया है। सो आपको राइट हैंड साइड पे भी आर्मी एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आर्मी एरिया है, और सीधा आप जो है आप निकल जाते हैं इस मेन हाईवे से शिमला, कसौली, जहाँ पे पहाड़ों में जाना चाहें तो आप। तो चलिए आपको नज़ारे दिखाते हैं। और गाइज, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और डेफिनेटली लाइक करें ताकि अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें आप, ताकि मैं आपको और बेहतरीन नज़ारे और वीडियोस दिखाता रहूं। ये देखिए, अब हम एंट्री करते जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ, और कोई दिल्ली से इंसान आया हो और दिल्ली का रहने वाला हो और पहाड़ ऐसे दिखे, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। तो बहुत एक्साइटमेंट है। हम जैसे रास्ते से जाते जा रहे हैं, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो स्टेप फार्मिंग होती है, यहाँ पे लोग फार्मिंग के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो फार्मिंग दिखती है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा और लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पे एक नदी जा रही है, तो प्रॉब्ली पहाड़ों के बीचों से नदी जा रही है, फिर उसके बाद आपको स्टेप फार्मिंग मिलती है, खेत खलिहान मिलेंगे। और रास्ते बहुत अमेजिंग हैं, हालांकि टर्न्स एंड ट्विस्टीज बहुत मिले हैं, बहुत अमेजिंग रास्ता है। बट जैसा कि मैंने कहा था कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग का भी मज़ा लेते हुए हम आज अपनी संडे राइड कंप्लीट कर रहे हैं, या संडे राइड में जा रहे हैं। और कुछ टाइम बाद ऑब्वियस वाली बात है, पहाड़ों पे इस तरह से आप ऑफ रोडिंग या इस तरह से चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। तो कुछ टाइम बाद हमारा प्लान बन रहा है कि हम जो है आगे एक टपरी पे चाय पीने के लिए रुकेंगे, और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम या तो मोरनी हिल्स रुकेंगे, नहीं तो फिर हम जो है भुरेश्वर महादेव टेम्पल पे जाके रुकेंगे।
मैं इसी की बात कर रहा था, यहाँ से लेफ्ट में जा रही है नदी और उसके बाद पहाड़ों पे ये प्रॉपर स्टेप फार्मिंग करके रखी हुई है, और यही हम डिस्कस करते हैं, यही बात कर रहे हैं कि देखिए हम लोग सोचते हैं कि यू नो, हमारे शहर में कितनी टेंशन है, कितना मुश्किल है जीना, बट यहाँ देखिए, हालांकि यहाँ रहने वाले लोग इस चीज़ को, एनवायरनमेंट को इन्जॉय करते हैं, बट सिचुएशन और लाइफ बहुत टफ है, बिकॉज सोर्स ऑफ अर्निंग जो है बहुत लिमिटेड है, एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा है. सो ओवरऑल एज वी सेड, ऊपर वाला हर चीज़ हर किसी को नहीं देता, तो कुछ चीज़ देता है तो कुछ चीज़ डेफिनेटली इस चीज़ में कमी करता है. तो यू नो, वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव. तो देखिए यहाँ पे हमने डिसाइड किया प्लान में थोड़ा सा चेंज करने के लिए कि अगर हम मोरनी हिल्स जाते हैं, यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर मोरनी हिल्स पड़ता है, और एट द सेम टाइम अगर वहाँ जाने से हम लोग जो है भुरेश्वर महादेव टेम्पल के लिए लेट हो जाएंगे, तो यहाँ से अगर लेफ्ट निकलते हैं तो हम भुरेश्वर महादेव टेम्पल के लिए निकल जाएंगे, और अगर हम सीधा जाते हैं तो मोरनी हिल्स के लिए. तो हमने डिसाइड किया कि चलो यार आज भुरेश्वर महादेव टेम्पल पर जाते हैं. ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, तो वही हम प्लान कर रहे हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार इस जगह से जाने का क्या प्लान है और कितने टाइम लगेगा. प्रॉब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 से 2 घंटे लगेगा, जस्ट बिकॉज यू नो वहाँ का जो है रोड रास्ता बहुत ख़राब है, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि यहाँ से रुक के थोड़ा सा रेस्ट ले लें, उसके बाद फिर हम दोस्तों यहाँ खड़े होकर हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि यू नो, कौन सा पहाड़ कौन खरीदेगा. सुशील भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ है यहाँ जो सामने वाला है यही खरीद लेता हूँ मैं. मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, वो जो लेफ्ट पे दिख रहा है बादलों के पास, वो पहाड़ खरीदेंगे, तभी मज़ा आएगा. जोक्स अपार्ट गाइस, हम लोग एक्चुअली में यही डिस्कस कर रहे हैं कि यार यहाँ पे लाइफ कितनी टफ है. हम कंप्लेन करते हैं इस बात को लेके कि यार हमारे शहर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट लुक एट दिस, यू नो, नेचर के इतने पास यहाँ लोग रहते हैं, फिर भी उनके लिए डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल है. एट द सेम टाइम यू नो, ज़िंदगी जीने का यही मज़ा होता है कि किसी को कोई खुशी मिलती है, किसी को कुछ और खुशी मिलती है. तो वैसे यहाँ इन लोगों के पास नेचर है इन्जॉय करने के लिए, यू नो, बट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर देखा जाए
कम होती है, बट यू नो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं ऑक्यूपेशन के. एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज बहुत स्लो है यहाँ पे. बट इफ़ यू कंपेयर इट विद शहर, शहर में क्या है कि आपको ट्रांसपोर्ट का कोई टेंशन नहीं है, पोल्यूशन है, बट हाँ येस यू वुड नॉट इन्जॉय द नेचर. हर टाइम चिक चिक पिक पिक यू नो गाड़ी के हॉर्न्स वगैरह वगैरह वगैरह. सो इट्स ऑल अबाउट यू नो जो भी लोग पहाड़ों में आना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट यू नो गोइंग टू अ प्लेस और enjoying that specific area. It's all about the journey itself. कि जहाँ पहाड़ों पे आप ऐसे रास्तों से जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाएं हर जगह यही रुकने का मन करे कि वाह कितना ब्यूटिफुल यू नो नेचर है, एट द सेम टाइम कितना ब्यूटिफुल व्यू है. सो पहाड़ों पे आने का यही मजा है. और आप लोग ज़रूर जब आप लोगों के पास टाइम मिले तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह जाएँ. एंड यू शुड गो एंड यू नो प्रॉपरली एंटरटेन योर सेल्फ एंड योर सोल एज वेल एट द सेम टाइम. कहते हैं कि हर किसी का वक्त बदलता है. ये देखिए एक और छोटा सा एग्ज़ाम्पल नेचर की तरफ से. यहाँ पे अगर आप ये लेफ़्ट में देखते हैं तो ये नदी जा रही है. अभी गर्मियों का टाइम है तो ये बिल्कुल सूखी पड़ी है और इसको क्रॉस करना बहुत इजी है. बट जब बारिश का टाइम आता है और जब इसका समय आता है तो ये डेफिनेटली फुल फ्लो के साथ बहती होगी और उस टाइम पर क्रॉस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा नीचे से. सो इसलिए कहा जाता है कि देखिए समय की अच्छी बात यही है कि समय बदलता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है. तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, समय डेफिनेटली बदलेगा. और अच्छा समय है तो ये भी ध्यान रखें कि ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ये भी बदल सकता है. तो आप उसी हिसाब से अपने नेचर में और अपने बिहेवियर में यू नो चेंजेस लाएं. इसी की बात कर रहा था. देखिए यहाँ पे जो है इस एरिया में स्टेप फार्मिंग चल रही है और बीच से नदी जा रही है. तो यहाँ पे लोग इसी तरीके से फार्मिंग करते हैं, फसलें उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं शुद्ध हिंदी की भाषा में. तो ये देखिए लेफ्ट में नदी जा रही है और बहुत लोग बहुत टाइप की यू नो यहाँ फार्मिंग चलती है. एक स्टेप फार्मिंग होगी, एट द सेम टाइम जैसे कि यू नो एक शेड सा बना के अंदर वेजिटेशन होती है और एक शेड बना होता है ताकि जैसे जी
संक्षिप्त कहानी। वहां से आए हम दूसरे करो करो। दोस्तों सुशील भाजी ने बताया अभी हम वहाँ से लेफ्ट से कहीं पहाड़ों के बीच से आए हैं और यू नो हम यहाँ पे भूरेश्वर महादेव टेंपल पे आए हैं और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे पुजारी जी जो पूजा करते हैं, एक काला सा पत्थर है, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये जो गेट है इससे नीचे आते थोड़ी सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं और ये जो काला पत्थर दिख रहा है आपको, यहाँ जाके पुजारी जी पूजा करते हैं, पर नीचे कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ना श्रद्धा और विश्वास में बहुत ताकत होती है। दोस्तों दर्शन के बाद हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं, काफ़ी समय हो चुका है, हमें यहाँ से लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। हम फिर सोच रहे हैं कि एक शॉर्टकट लेने के लिए जो यू नो जो कि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बट हाँ इट इज़ गोइंग टू सेव अस अराउंड 20-30 किलोमीटर्स। सो पहाड़ों पर 20-30 किलोमीटर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1/2 hour to 45 minutes मिनिमम दैट इज़ सेव्ड। सो प्लान वही है हमारा। तो चलिए दोस्तों मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को अलविदा कहता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और लाइक करें ताकि आप इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड एंजॉय द सनसेट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।